गुड डे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीना सैनी फन विद किड्स। आज मैं आपके बच्चों के लिए लेकर आई हूँ फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़, कि आपने किस तरह से बच्चों को घर पर घर के सामान से ही उनकी स्केच कलर से, वैक्स कलर से और कुछ कार्ड से आप किस तरह से फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, ठीक है, इनसे आप किस तरह से बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हो, ये मैं आज आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़, और इसी में मैं आपको बताऊंगी कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं फाइन मोटर स्किल एक्टिविटीज़। यस, सबसे पहले हम लेंगे स्केच कलर्स की एक्टिविटी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन स्केच कलर को, मेरे पास दो तरह के स्केच कलर हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये स्केच कलर लेने हैं और इन्हें इस तरह से प्लेस करना है, ठीक है। आप इस तरह से रखोगे स्केच कलर को, इस तरह से आपने स्केच कलर लिए और यहाँ पर रख दिए। अब आप बच्चों से बोलोगे कि सेम इसी कलर का स्केच कलर बच्चे ने इनके सामने रखना है, ठीक है। तो दूसरे स्केच कलर है जो हमारे पास, इनमें से बच्चा चूज़ करेगा। अगर आपके पास स्केच कलर नहीं है, वैक्स कलर है, तो फिर वैक्स कलर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये वैक्स कलर है, या फिर इस तरह के मिलते हैं ये क्रेयोन, ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी इनके सामने क्या करेगा बच्चा, सेम कलर के स्केच पेन को, ठीक है, उसके सामने रखेगा। जैसे कि ब्लू है तो ब्लू के सामने ब्लू, देन ऑरेंज, ऑरेंज के सामने ऑरेंज, ब्लू, यस दिस इज अ डार्क एंड दिस इज अ लाइट ब्लू लाइक दिस, यस अगेन ग्रीन, रेड, येलो, डार्क ग्रीन एंड ब्राउन। इस तरह से आप बच्चों से ये एक्टिविटी करवा सकते हो। इसका क्या फायदा है, ये इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इससे बच्चे को कलर्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है, और कलर्स की पहचान हो जाएगी। और बाकी जितनी भी मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, एक तो इनसे बच्चों की थिंकिंग स्किल इम्प्रूव होती है, अंडरस्टैंडिंग स्किल इम्प्रूव होती है, रिमेम्बरिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, लर्निंग स्किल इम्प्रूव होती है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब चलिए इसी से हम सेकंड एक्टिविटी करते हैं, स्केच कलर से आपने किस तरह से करवानी है। अब देखिए इन्हीं को आपने इस तरह से शेप देनी है, इस तरह से आप शेप दे सकते हो, और बच्चों से भी बोलोगे कि आपने सेम यही शेप्स बनानी है, इसी पैटर्न्स को आपने बनाना है जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। ये पैटर्न बना दिया, अब बच्चे भी इनके साथ जो दूसरे स्केच हैं सेम पैटर्न बनाएंगे इसी तरह से। यस, दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ फॉर द किड्स, बिकॉज they improve their kids hand and eye coordinations, ठीक है, improvement होता है coordinations में, and also improvement in hand grippings, okay, this is a second activity with our sketch pen, and the next activity is make patterns with the sketch color, yes, आपने patterns बनाने हैं किस तरह से, सबसे पहले है standing line, then slipping line, then right left slanting line, right slanting line और zigzag, इस तरह से आपने पैटर्न बनाने हैं। तो बच्चा भी इसी तरह से बनाएगा and same sketch color के साथ, then standing line with the blue sketch color, slipping line, left slanting line, right slanting line or zigzag. This is a second activity.
थर्ड एक्टिविटी विद द स्केच कलर्स. ओके, उसके बाद है आपने क्या करवाना है, अगर आपने बच्चों को काउंटिंग करवा दी है 1 to 10 तो आप इनसे इस तरह से बनवा सकते हो. जैसे ये 1 and 4, ठीक है. इस तरह से आपने स्केच कलर से क्या बनाया, इस साइड 1 and this is the number 4. तो आप बच्चों से पूछोगे कि इनमें से बड़ा कौन है, ठीक है. वो इन स्केच पेन के साथ ही इनकी हेल्प से ही बताएंगे विच नंबर इज़ बिगर, कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है. तो क्या होगा, इस तरह से ये स्केच पेन रखे हैं तो जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ इस तरह से बनाना है. दिस इज़ अ नंबर 4 एंड दिस इज बिगर दैन द नंबर 1. तो इससे बच्चे को क्या पता चलेगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है. और इससे आप पूछ सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा है, नंबर 1 और नंबर 4, तो किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ. इस तरह से नंबर 1 क्या है, स्मॉल है नंबर 4 से, ठीक है. और इसमें आप फिर बना सकते हो नंबर इस तरह से, दिस इज नंबर 7, नंबर 7 एंड नंबर 4, विच इज बिग नंबर 7 एंड विच इज स्मॉल नंबर 4. यस, अब इसके बाद है हमारी एक्टिविटी अब आप इस तरह से एक होल्डर ले सकते हो, ठीक है. और आपने नंबर दिखाना है बच्चों को इस तरह से, नंबर 2. तो नंबर 2 जो स्केच है वो ही बच्चा होल्डर के अंदर डालेगा. जैसे 1 2 1 and 2, ओके. देन 4, 1 2 3 4, ओके. देन नंबर 3, नंबर 3, 1 2 and number 3, ओके. अब आपने क्या करना है, अब आप दूसरा पेन लीजिए, ठीक है, ग्रीन. तो बच्चों से किए कहिए कि अब वो ग्रीन कलर का पेन ही होल्डर से बाहर निकालेगा, ठीक है. तो ग्रीन कलर का पेन देखेगा और उसे होल्डर से बाहर निकालेगा. ग्रीन, गुड. देन पुट आउट द कलर ब्राउन. यस, दिस इज अ नंबर कलर ब्राउन. देन येलो, दिस इज अ येलो. देन रेड, दिस इज अ रेड. ब्लू, ब्लू. ऑरेंज, देन ऑरेंज. इस तरह से, ठीक है. इससे क्या होगा, बच्चों की पहचान होगी कलर्स की और कलर्स के बारे में बच्चों को पता चलेगा, ठीक है. इसके बाद हमारे हैं जैसे कि हमने अब बच्चों को दिखाए हैं कलर्स इस तरह से, ठीक है. ये आपने कलर्स रखे हैं और बच्चों को बताना है कि नंबर वाइज आपने कलर्स को याद रखना है कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक. बच्चे को अच्छे से दिखाने हैं पेन कि कौन से हैं और सीरियल वाइज इन्हें याद करेगा कि कौन सा पेन किसके बाद है, ठीक है. सबसे पहले कौन सा है, ऑरेंज, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन पर्पल एंड देन
ब्लैक, ठीक है। अब इन्हें हटाना है और बच्चों से उसी तरह से ये पेन रखवाने हैं, ठीक है, उसी तरह से अरेंज करवा कर, ठीक है, और बच्चा फिर उन्हें उसी तरह से अरेंज करके रखेगा, ठीक है। ये एक्टिविटी, ये भी थिंकिंग स्किल एंड रिमेम्बरिंग स्किल के लिए बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है। उसके बाद आ जाती हैं शेप्स, देन हम बच्चों को करवाएंगे शेप्स, ठीक है। ये शेप्स हमने करवानी है। अब सबसे पहले नंबर वन पर कौन सी है, स्क्वायर, तो इनसे बच्चों से आप बनवाइए स्क्वायर। दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर शेप, एंड स्क्वायर शेप हैज फोर कॉर्नर्स और फोर साइड्स, ओके। देन नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल, इस तरह से आपने शेप्स दिखानी हैं और बच्चों से बनवानी है। बच्चे खुद से इन शेप्स को बनाएंगे और आपने शेप्स के बारे में बच्चों को बताना है कि ये कौन सी शेप है। रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल शेप आल्सो फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स। नेक्स्ट है हमारे ट्रायंगल, यस, ये शेप आपने दिखानी है और बताना है कि आपने स्केच पेन के साथ यही शेप बनानी है। दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल शेप, एंड ट्रायंगल शेप हैज थ्री कॉर्नर्स और थ्री साइड्स। नाउ वी कैन टेक द हेक्सागन, यस, हेक्सागन शेप विद द स्केच कलर्स। This is a shape of hexagon, and hexagon has eight corners or eight sides. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 corners or 8 sides. Then हम लेंगे circle. सर्कल इन के लिए, इन पेन से बनाना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो हम इस तरह से एक बैंगल ले लेंगे, कड़ा ले लेंगे बच्चों को, और छोटे जो वैक्स कलर होते हैं जो बच्चों से टूट जाते हैं, हम उनके साथ शेप बनवा सकते हैं सर्कल की, ठीक है। इस तरह से हमने ये लेने हैं और इनसे शेप बनवानी है सर्कल। This is a circle. इस तरह से हमने स्केच कलर के साथ बहुत सी एक्टिविटीज सीखी हैं, ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स शेप्स हम बनाएंगे। This is a circle, and circle has no side and no corner. Circle का कोई साइड नहीं होता, कोई कॉर्नर नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करवाना है, इन शेप्स को आपने कट भी करवाना है, ठीक है, आपने दिखाना है बच्चों को, यस। नंबर वन पर पहले आपने पूछना है कि कौन सी शेप है, दिस इज अ नंबर वन, और नंबर वन पर आप पूछोगे कौन सी शेप है, यस, नंबर वन पर है स्क्वायर, और स्क्वायर के कितने साइड्स एंड कितने कॉर्नर्स हैं, स्क्वायर हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स, ओके, यस। नेक्स्ट है नंबर टू, नंबर टू, और नंबर टू पे हमारी कौन सी शेप है, दैट इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के कितने साइड्स और कितने कॉर्नर्स हैं, यस, फोर साइड्स, 1, 2, 3, 4, फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स। नेक्स्ट नंबर थ्री, नंबर थ्री पे क्या है,
ट्रायंगल, वेरी गुड, दिस इज अ ट्रायंगल शेप ऑन द नंबर थ्री, एंड ट्रायंगल हैज फोर थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स. नेक्स्ट है नंबर फोर पे, हमारी कौन सी शेप है? यस, दिस इज अ सर्कल. ठीक है, और सर्कल के कितने कॉर्नर और कितनी साइड्स होती हैं? नो, नो कॉर्नर एंड नो साइड. एंड नंबर फाइव, नंबर फाइव पे है हमारी हेक्सागन, एंड हेक्सागन के कितने होती हैं साइड्स एंड कॉर्नर्स? एट. ठीक है, एट कौन से वाली है देखिए जरा. यस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, एट साइड्स एंड एट कॉर्नर्स. ठीक है, तो आपने बच्चों से इन शेप्स को इस तरह से करवाना है. ठीक है, उनको साइड्स एंड कॉर्नर्स के बारे में बताना है. शेप्स की इस एक्टिविटी से बच्चों को शेप के बारे में पता चलेगा, अच्छे से वो रिकॉग्नाइज कर सकेंगे शेप्स को. ठीक है, और आप उनसे कटिंग भी करवा सकते हो. ठीक है, सीजर के साथ आप इन शेप्स को बच्चों से कटिंग करवा सकते हो. बट यह है कि आपको बच्चों के साथ ही रहना पड़ेगा जब वो कटिंग करते हैं, ध्यान रखना है कि उनको लग ना जाए. ठीक है, ओके, आज मैं मेरी वीडियो इतनी, इसके अलावा मैं अभी और लेकर आऊँगी अपनी वीडियोस. ठीक है, आज की इतनी ही, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन सभी जितनी भी फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ हैं, इनकी क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है. मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि ये हमारी थिंकिंग स्किल्स को, बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, उनके रिमेम्बरिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, लर्निंग स्किल्स में बच्चों की इम्प्रूवमेंट होती है. ठीक है, उनका जो आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशंस है वो भी बनता है. ठीक है, और हैंड्स की ग्रिपिंग बनती है बच्चों की. एंड ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये क्या है, इनकरेज करती हैं बच्चों को. ठीक है, इनकरेज करती हैं और वर्क करने के लिए. ओके, थैंक यू, आज की मेरी वीडियो इतनी ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोज़.